लक्ष्मी, बिहार झारखंड में इन दिनों राजनेता छुपा छुपी का खेल खेल रहे हैं। अभी झारखंड में सीएम का चेहरा बदलने के बाद विधायकों का टूट पूरी तरह खत्म भी नहीं हुआ था कि बिहार में भी फ्लोर टेस्ट से पहले कांग्रेस विधायकों को हैदराबाद भेज दिया गया ताकि कोई उनकी बोली नहीं लगा सके, और फ्लोर टेस्ट के दिन कांग्रेस पूरी तरह से एकजुट रहे। झारखंड के विधायकों के हैदराबाद टूर के बाद अब बिहार कांग्रेस के विधायकों का हैदराबाद टूर शुरू हो गया है। झारखंड से बिहार तक विधायकों के इस टूर के पीछे की वजह एक ही है, वो है टूट का डर, क्योंकि बिहार में 12 फरवरी को एनडीए की सरकार का फ्लोर टेस्ट होना है। बदले सियासी समीकरण में यूं तो आरजेडी फिर से सबसे बड़ा विरोधी दल है, लेकिन फ्लोर टेस्ट से पहले सबसे ज्यादा टेंशन में कांग्रेस है। 19 विधायकों वाली कांग्रेस को इस बात का डर सता रहा है कि कहीं उनके विधायक फ्लोर टेस्ट से पहले टूट ना जाए। ऐसे में झारखंड की तर्ज पर बिहार कांग्रेस के विधायकों को भी हैदराबाद शिफ्ट किया जा रहा है। कांग्रेस विधायकों को हैदराबाद के बाहरी इलाके इब्राहिमपट्टनम स्थित एक रिजॉर्ट में रखा जाएगा। अरे भाई, नई सरकार बनी है, हम लोग को सब विधायक हम लोग आए हैं, मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, बधाई देंगे नई सरकार के लिए। कहाँ के लिए जा रहे हैं, क्या है? कहाँ के लिए जा रहे हैं? हैदराबाद घूमने आए हम लोग, सभी विधायक लोग। कहाँ पर आपको ठहरा रहे हैं? वो हम नहीं जानते, हम लोग कहीं भी होटल में ठहर जाएंगे। बीजेपी नेता और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा है कि कांग्रेस अपने विधायकों के साथ बंधुआ मजदूर जैसा व्यवहार करना चाहती है, जो जनादेश का अपमान है। ये कांग्रेस की मानसिकता को झलकाता है। डरे सहमे लोग हैं, अपने विधायकों पर उनको विश्वास नहीं है, जनता का विश्वास जीत करके आता है, और उस विधायक को बंधुआ मजदूर की तरह बांध करके रखना, ये जनादेश का अपमान है, विधायकों का अपमान है। भले ही विजय सिन्हा कुछ भी कहें, लेकिन कांग्रेस आलाकमान को अपने विधायकों के टूटने का डर है। ऐसे में पार्टी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, लिहाजा विधायकों को फ्लोर टेस्ट से पहले तक बिहार के बाहर ही रखेगी और सीधे टेस्टिंग के दिन ही इनकी बिहार में लॉन्चिंग कराने का प्लान है, ताकि एकजुट होकर कांग्रेस के सभी विधायक एनडीए की सरकार के खिलाफ वोट कर सकें। लेकिन कांग्रेस के इस फैसले पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने निशाना साधा है। दावा किया है कि हमारे पास पूर्ण बहुमत है और ऐसे में कांग्रेस को डरने की जरूरत नहीं है। दो पार्टी मिलाकर एब्सोल्यूट मेजोरिटी है, उसके बाद हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का समर्थन है, निर्दलीय का समर्थन है, इसलिए कोई इश्यूज नहीं है। विश्वास मत, कांग्रेस को डर है इसलिए हटा रही है अपने विधायकों को? नहीं नहीं, डरने की बात कहाँ है, अरे एकदम लोकतंत्र है, घुमाइए। मेरा जरूर आग्रह है, दिल्ली लाए तो बेचारे के लोग को दिल्ली घुमाइए, हैदराबाद घुमाइए, घुमाना चाहिए, तब तो जानेंगे कि विकास क्या होता है। शनिवार को बिहार कांग्रेस के विधायक और विधान पार्षदों की दिल्ली में अहम बैठक हुई थी, जिसमें बिहार में बदले राजनीतिक हालात पर चर्चा के साथ ही नए सिरे से आगे की रणनीति पर मंथन हुआ। इसी बैठक में सभी विधायकों को एकजुट रहने के निर्देश दिए गए थे। दरअसल बिहार में 28 जनवरी को जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन हुआ। करीब 17 महीने बाद एक बार फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बनी और अब 12 फरवरी को सरकार का फ्लोर टेस्ट होना है, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बहुमत साबित करनी है। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह की रिपोर्ट। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कांग्रेस विधायकों के हैदराबाद शिफ्ट होने पर कहा कि हमने उनके समर्थन की जरूरत ही नहीं है। हमें देखिए, घुमाने के लिए ले गए हैं, घुमाने दीजिए, अच्छी बात है। दिल्ली आए थे, उनको हैदराबाद ले जा रहे हैं तो अच्छा बात है ना, घूमेंगे वहां के नवाबों के सर को देखेंगे, इसमें दिक्कत क्या है? उनको ये डर है कि कहीं ना कहीं, अरे भाई उनके वोट की जरूरत कहाँ है हमें? 128 एमएलए हमारे पास है, तो उनकी जरूरत कहाँ है? हमको नहीं चाहिए कांग्रेस का समर्थन भाई, कांग्रेस का समर्थन नहीं चाहिए, राजद का समर्थन नहीं चाहिए, जनता का समर्थन चाहिए। जनता के बल पर एनडीए की सरकार बनी है और ये 2020 में बनी है। ये बीच में चोरी करने के लिए कुछ लोग आए थे ना, वो सबका इलाज होगा, चिंता मत कीजिए।